ये व्यक्ति 1772 से लेकर 1785 तक बंगाल का गवर्नर के रूप में काम करेगा, और इसी बीच में इसकी पोस्ट का प्रमोशन हो जाएगा। ये आया तो रहता है ऐसा गवर्नर ऑफ बंगाल, लेकिन 1773 में एक एक्ट आता है जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, और उस एक्ट के बाद इसकी पोस्ट बढ़ जाती है और इसको कहा जाने लगता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब इसके नाम के आगे जनरल लग जाता है। तो पहले बिल्कुल बेसिक बात कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये कब से कब तक रहेगा? 1772 से लेकर 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर के पद में रहता है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका जो प्रमोशन होता है या इसके पद को एक नया नाम मिलता है, इसका ये टेन्योर रहेगा 1773 से 1785। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये जो व्यक्ति है ये 1772 से लेकर 1785 तक इसका टेन्योर है, और इसके टेन्योर में ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, और उसी की वजह से इसकी पोस्ट में को क्या कहा जाने लगेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कहीं कहीं ये भी लिखा आपको मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम, अब विलियम क्यों लिख रहा है, फोर्ट विलियम क्यों लिख रहा है? क्योंकि जो बंगाल में कोलकाता शहर में जो इनका मेन किला था, जो मेन इनका हेडक्वार्टर था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम का टेन्योर है 1773 से 1785। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है ये वॉरेन हेस्टिंग। किसके टेन्योर में रेगुलेटिंग एक्ट आया? तो वो रहेगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का कुल कार्यकाल 1772 से 1785 के तक है। लेकिन सवाल आ जाए कि वॉरेन हेस्टिंग एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एज अ गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, उसका टेन्योर, उसका कार्यकाल क्या था? तब आप आंसर को टिक मारेंगे 1773 से लेकर 1785 तक। अगर ये सवाल आता है कि वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल बंगाल के गवर्नर के रूप में कब से कब तक था, तब आप टिक मारेंगे 1772 से लेकर 1773 तक। इसको ध्यान से समझ लीजिए और बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। इसके पहले तक जो भी थे, विंसेंट आर्ट था या क्लाइव था, और भी जो लोग भी थे, वो सब सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे। ये व्यक्ति आता है बंगाल का गवर्नर बनकर, लेकिन एक साल बाद ही इसका पद बढ़ जाता है और इसको बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या होता है इस पद में, क्या क्या पावर थी, वो सब हम जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। लेकिन अभी मैं इसकी ब्रीफिंग आपको बता रहा हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग का जो टेन्योर है वो 1700, अगर आए कि वॉट इज द टोटल टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग का पूरा कार्यकाल कितने समय के लिए था, तब आप टिक मारेंगे 1772 से लेकर 1785। अगर पूछेगा वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल कब से कब तक है, तब आप टिक मारेंगे 1772 से लेकर 1773 तक। अगला सवाल अगर है वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल बंगाल की गवर्नर जनरल के रूप में कब से कब तक था, तब आप टिक मारेंगे 1773 से 1750 तक। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस व्यक्ति की अपन ने ब्रीफिंग देख ली थी। ये जो व्यक्ति है ये बहुत छोटी उम्र से भारत में आ गया था, भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी में आ गया था, और धीमे धीमे अपने इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल दिखाई, इसने अपना वर्क एफिशिएंसी दिखाई, और धीमे धीमे ये प्रमोट होता गया। और जो क्लाइव है, क्लाइव के दिमाग में ये व्यक्ति चढ़ गया कि हाँ यार ये व्यक्ति अच्छा है, इसको अपन प्रमोट कर सकते हैं। तो धीमे धीमे क्लाइव की दया पड़ी इन पे, काम कर ही रहे थे, अच्छा हुनरमंद थे ही, तो धीमे धीमे ये प्रमोट होते होते ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काउंसिल हुआ करती थी उसके मेंबर बन गए। तो शुरू में ये मद्रास के ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल के मेंबर थे, फिर कुछ समय ये बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी काउंसिल के मेंबर थे,
इसी बीच में इनका मोह भंग हुआ कि भैया मुझे नौकरी नहीं करनी, वापस ये चले गए लंदन। जब 2-3-4 साल में पैसे खत्म हो गए, फिर इनको ध्यान आया, घर में डांट पड़ी कि जाओ काम क्यों नहीं करते हो, काम धंधा छोड़ के बैठे हो। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वापस जाके अपना रिज्यूम लगाते हैं कि साहब वापस रख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है, हाँ यार अच्छे आदमी हो तुम, तुमने बहुत लंबा समय हमको दिया है, हम तुम्हारे काम को समझते हैं, ठीक है आ जाओ वापस। फिर ये भारत वापस आते हैं, फिर काउंसिल के मेंबर बनते हैं, और जब इनको 1772 में ऐसा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है। बहुत छोटे सी उम्र में, शायद 15-16 साल की उम्र से व्यक्ति भारत में आ गया है, हर तरह के पद में इसने काम किया, और अल्टीमेटली क्या बन जाता है, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो ये है इनकी छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री। अब चलते हैं आगे। ये जो मैंने सर ब्रीफ हिस्ट्री बताई है सिर्फ कहानी के लिए, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि किस काउंसिल में कब से कब तक था, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना। अब इसके आने के 1 साल बाद ही रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इसके आने के 1 साल बाद ही क्या आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग तो आप लोग समझ ही रहे हैं, रेगुलेट करना, जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है, जो गैस स्टोव होता है उसमें रेगुलेटर होता है कि हम उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सके, उसकी फ्लेम को कम ज्यादा कर सके, मतलब असल में हम तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं इसलिए हम रेगुलेट कर रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया है, 1 साल बाद ही आया इस व्यक्ति के आने के बाद, और इसमें किसको रेगुलेट किया जा रहा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया जा रहा होगा। तो सवाल यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कौन कर रहा है भाई, कहने को तो ये प्राइवेट कंपनी है। तो इसको रेगुलेट करेगी ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद रेगुलेट करेगी। अब सवाल यह है कि भाई ये कंपनी को ऐसा क्या हो गया कि इसको रेगुलेट करना पड़ा, ऐसा क्या हो गया कि इसको रेगुलेट करना पड़ा। तो पहले हम देख लेते हैं रीजंस, कारण, कि क्या ऐसा इन लोगों ने कांड कर दिया था कि 1773 में ब्रिटेन की संसद से कानून पारित होके आता है जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो ऐसा क्या रीजंस थे सर इसके करप्शन, पहले, जो रीजन सबसे मेन जो ये रीजन है कि सबसे मेन जो रीजन है वो था फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रीजन यानी वित्तीय, पैसा वाला। तब क्या है इसके, इसी कहानी जान लेते हैं। असल में जब ये कंपनी बनी थी तो कोई भी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी है तो भी वो सरकार को पैसा देती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी सरकारी पीएसयू से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो मार्क जब आता है तो वित्त मंत्रालय को क्या देती है, लाभांश देती है। वित्त मंत्रालय को क्या देती है, अपना लाभांश, या इसे कहते हैं डिविडेंड देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल है, या चलो ONGC है, ये कंपनियां हैं, ये महारत्न कंपनी है दोनों, टोटल मेरे देश में भी 10 महारत्न कंपनी है। ये साल भर में जो काम करती है, तो सरकारी कंपनी साल भर में जो काम करती हैं उसमें जितना इनको प्रॉफिट होता है, जितना इनको लाभ होता है, उसका कुछ अंश, लाभ का कुछ अंश ये सरकार को वापस करती है, डिविडेंड के रूप में वापस करती हैं। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वो मार्च में एंड होता है, तो मार्च में आप देखेंगे धड़ाधड़ चेक पे चेक जाते रहेंगे, और वित्त मंत्री के साथ इन लोग फोटो खिंचवाते रहेंगे, और रोज पेपर में आएगा कि सेल ने इस बार 1 लाख यानी 10,000 करोड़ का लाभांश दिया, इसने 5,000 करोड़ का लाभांश दिया। ये मार्च के पेपर में, इकोनॉमिक वाले पेपर में, पूरे 5 महीने में आपको ये न्यूज मिलेगी, क्योंकि भाई सरकारी कंपनी, तो भाई सरकार ने तुमको खड़ा किया है तो तुम उसको कुछ ना कुछ पैसा दो। और यही चीज होता है प्राइवेट के साथ भी, यही चीज होता है प्राइवेट के साथ भी। जैसे मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर सरकार ने उसको किसी क्षेत्र की दिया कि मोनोपोली, जैसे मान लीजिए कोई माइनिंग कंपनी है और वो सरकार के पास गई, बोली सरकार मुझको ये 500 किलोमीटर का जो एरिया है मुझको चाहिए, मैं इससे कोयला निकालूंगी, तो सरकार अगर वो उसको देगी, लीज पे देगी, किराए पे देगी, तो सरकार उससे पैसा लेगी। जिसे हम कहते हैं लीज पे दे दिया कि 10 साल के लिए सरकार ने ये इलाका वेदांता को दे दिया, ये इलाका अडानी को दे दिया, ये इलाका अंबानी को दे दिया, तो उससे सरकार पैसा लेती है। उसी तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1773 के आसपास, इसको हर साल कितना रुपए देना पड़ता था, 4 लाख पौंड, 4 लाख पौंड देना पड़ता था किसको, ब्रिटेन को। पौंड क्यों दे रही भाई, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड है, आज भी पाउंड है, तब भी पाउंड थे, और 4 लाख रुपए ईयरली देना पड़ता था। क्यों देना पड़ता था, क्योंकि भैया इनको मोनोपोली मिली थी, इनको एकाधिकार मिला था। इनको क्या एकाधिकार मिला था, कि अगर मैं इनको एकाधिकार मिला था कि स्ट्रेट ऑफ मागेलन,
स्ट्रेट ऑफ मागेलन से लेकर केप ऑफ गुड होप, स्ट्रेट ऑफ मागेलन से लेकर केप ऑफ गुड होप के बीच में जितनी भी जमीन आती है यहां पे तुम करो व्यापार, और ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है कि इस इलाके में, ब्रिटेन ने वादा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, इस इलाके में किसी और प्राइवेट कंपनी को हम परमिशन नहीं देंगे। तो एक तरह की मोनोपोली थी। स्ट्रेट ऑफ मागेलन क्या है, केप ऑफ गुड होप क्या है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले बता चुके हैं सब क्या है स्ट्रेट ऑफ मागेलन या गुड होप जो है। तो जब इनके पास मोनोपोली है, ये यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हर साल इनको कुछ पैसा देना था। वो पैसा अब तक आते आते कितना हो गया था, 4,00,000 पाउंड प्रति वर्ष। यहां तक की कहानी क्लियर? यस सर। यस सर। तो भैया हर साल पैसा चाहिए, और ये लोग पैसा हर साल लगभग दे भी रहे थे, लेकिन हमने देखा था 1765 में भारत की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने बंगाल के जो नवाब है उनके साथ एक संधि साइन की थी, और जिसका नाम था इसे हम कहते हैं द्वैत शासन, संधि तो नहीं थी, द्वैत शासन था, द्वैत एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें यह कहा गया था कि जो भी टैक्स लेने वाला अधिकार है वो मेरे पास रहेगा, यानी जो दीवानी राइट्स है वो मेरे पास रहेंगे, और निजामत राइट्स तुम रखो, भराई करने वाला काम तुम रखो, निजामत। और इस चक्कर में हमने देखा, इसका सबसे बड़ा जो हमें खामियाजा देखने को मिला वो 1769 से लगभग 1771, लगभग 2 साल एक अकाल चला है, और उस अकाल में एक तिहाई जनसंख्या बंगाल की साफ हो गई थी। ये सारी खबर उस समय तक पहुंच रही थी ब्रिटेन में। और खबर क्यों नहीं पहुंची, भाई एक ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनी जो यहाँ पे काम कर रही, यहाँ पे वो पूरे टैक्स के अधिकार ले ली है, और यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ का जो नवाब है बंगाल का वो लोगों की सहायता नहीं कर पा रहे, सब खबर उनके पास जा रही थी। ठीक है, मतलब ये खबर गई कि इनके पास माल है। ठीक, दूसरी खबर ये थी कि भाई इन लोगों ने यहाँ पे मैसूर के साथ युद्ध किया है, और मैसूर वाले युद्ध में हैदर अली जो था उसने इनकी खूब पिटाई की, खूब पैसा भी इनसे ऐठा, इनका एरिया भी छीना थोड़ा बहुत, ये भी खबर इनके पास जा रही थी। इनके पास ये खबर भी गई थी कि भैया इन लोग बक्सर का युद्ध लड़ चुके हैं, और शाह आलम से 50,00,000 रुपए ले लिया इन लोगों ने, और जो मुगल बादशाह उसको पेंशन में डाल दिया, और उसको बोला दिल्ली छोड़ के तो कड़ा में बैठ। तो मोटे तौर पर जो हमने अभी तक पिछला पढ़ा है वो सब कहानी इनके पास पहुंच चुकी थी कि ये कंपनी यहाँ पे धूमधाम से काम कर रही है, यानी इनके पास पैसा बहुत है। तो ये तो इनके पास पूरी खबर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन में मेन हेडक्वार्टर था उसको भी खबर थी कि मेरी एक जो ब्रांच है इंडिया वाली वो खूब पैसा कमा रही है, और ब्रिटेन की जो संसद है उसको भी पूरी खबर थी कि जो हमारी एक प्राइवेट कंपनी है जो इंडिया में है वो अच्छा पैसा कमा रही। तो जब अच्छा पैसा कमा रही तो भाई तुम्हें 4,00,000 रुपए तो देना बनता ही है। लेकिन क्या हुआ, 1766 से ही इन लोगों ने ये जो 4,00,000 रुपए की जो पेमेंट है ना ये देना बंद कर दी। ठीक है भाई, एक साल नहीं दी पेमेंट, कोई बात नहीं, ब्रिटेन, ये किसको मिल रही थी, ब्रिटेन की संसद को, ब्रिटेन की सरकार को मिल रही थी। अगले साल भी पेमेंट नहीं आया तो इन लोगों ने पूछा भाई भाई पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंडिया वाली कंपनी से पूछा भाई ये पेमेंट क्यों नहीं आ रहा तुम्हारा, तो इसने बोला सर हमारे पास पैसे नहीं है। तब इन दोनों का माथा ठनका, इसका भी और इसका भी, यार पैसे नहीं है क्या बात कर रहे हो यार, तुम नई नई संधियां कर रहे हो, तुम्हारे पास दिवाली राइट्स है पूरे, तुम यहाँ पे पैसे ऐठ रहे हो, तुम्हें कोई खर्चा नहीं है, और तुम बोल रहे पैसे नहीं है। तो इन लोगों ने बोला साहब पैसे नहीं है। यहां तक भी बात ठीक थी, चलो पैसे नहीं है। अगला स्टेज क्या हुआ, ये जो मतलब इंडिया वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या अप्लाई कर दिया, उसने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ब्रिटेन से लोन मांग लिया उसने, अपनी सरकार से लोन मांगा। जब लोन मांगा तो इनका और दिमाग खराब, बोला यार इनकी स्थिति इतनी बढ़िया है, इन लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इन लोग लोन कैसे लेने आ गए। लेकिन भाई ये तो पहुंच रहे थे लोन लेने, जैसे आज मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई सरकारी कंपनी भी, अल्टीमेटली जब लोन नहीं मिलता तो सरकार के पास जाती, सरकार भाई बचा लो हमको, फिर सरकार आरबीआई से बोलती भाई कुछ पैसा दे के इस बैंक को बचा लो, इस कंपनी में लगा दो, बाकी हम बाद में देख लेंगे। तो जब ये लोन लेने पहुंच गए तब इनका दिमाग ठनका कुछ तो गलत हो रहा है। और इनका लोन भी कैसा था, अगर ये भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल इनकम, कुल पूरा एसेट 5 रुपए का है, तो ये लोन इनकी कुल देनदारी 10 रुपए की थी, मतलब आमदनी 8, खर्चा रुपया वाला हाल था। अगर 8 आने की आमदनी है तो 10 रुपए का खर्चा इनका, मतलब 1 रुपए का खर्चा।
तो ये लोग बहुत तेजी से इन लोगों ने लोन की डिमांड करना शुरू कर दी। और ऐसा नहीं कि ठीक है भाई एक बार लोन ले लिया तो फिर अब गए, आज लोन लिया 15 दिन बाद फिर खड़े हो गए, सर और लोन चाहिए, फिर 1 महीने बाद फिर खड़े हो गए, सर और लोन चाहिए। तब इनका दिमाग ठनका, इन दोनों का दिमाग ठनका, जो हेडक्वार्टर है लंदन वाला उसका भी दिमाग ठनका कि क्या चल रहा है यार यहाँ पे, और ब्रिटेन सरकार को तो ठनका ही यार, ये तो यार हमारा बिल्कुल सोने के अंडा देने वाली मुर्गी थी ये, हमें हर साल पैसा मिल रहा था, अब तो ना पैसा आ रहा है ऊपर से लोन अलग से ले रहे। और तो और ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है, इनके जेब जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके जलवे हम देख ही रहे हैं। इन्हीं में से एक कर्मचारी था वॉरेन हेस्टिंग, जो 4-5 साल वहां जाके रहा तो खूब अय्याशी से रहा, बाद में जब पैसे कम पड़े या उसको लगा कि यार हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे या कैसे मैनेज होगा हमारा भविष्य, तो फिर वापस नौकरी पे आ गया। तो ये सब इनको दिख रहा था, तो इन लोगों ने बोला कि यार ये तो गलत है यार, हमें इनके जो अफेयर्स हैं, इनके जो अफेयर्स है, जो अफेयर्स मतलब जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही है, इनके जो भी अफेयर्स हैं उनको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मन चाहे तरीके से किसी से भी युद्ध कर ले, मन चाहे तरीके से किसी को भी हरा दे, किसी से भी कोई संधि साइन कर ले, मुगल बादशाह को पेंशन बांध दे, शाह जो अवध वाला है उससे बोले कि भाई तेरे यहाँ मेरी आर्मी रहेगी इसके बदले में तू मुझको पैसा देगा, ठीक है? तो ये सब देख रहे, तो इन्होंने बोला रेगुलेट करना पड़ेगा। और ये किसने बोला रेगुलेट करना पड़ेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला रेगुलेट करना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों बोला? भाई सोल होल अथॉरिटी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है ना, क्योंकि भाई इसी ने परमिशन दी थी। माना ये प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर रही, व्यापार के अलावा यहाँ सब कुछ कर रही है, व्यापार तो ठीक है, व्यापार के अलावा यहाँ पे वॉर कर रही है, व्यापार के अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है, व्यापार के अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स कर रही है, संधियां कर रही है। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बोला यार इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसी के कारण आया है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहां तक क्लियर है सभी को? जी सर। यस सर। ये जो मैंने कहानी आपको बताई है इसमें लिखी है कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी, सिर्फ कहानी है, आपको ये समझ में नहीं आए तो भी चलेगा। और इस कहानी में एक बात जरूर लिखना हमेशा कि मैन मेड डिसास्टर इन्होंने किया था, इन लोगों ने बंगाल की 1/3 आबादी को मारा था, और ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, ये एक मैन मेड डिसास्टर, क्योंकि दीवानी राइट्स के चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी झोली भरी और जो नवाब है उसको खाली छोड़ दिया, वो बेचारा कंगाल बैठा रहा और उसने लोगों को बचा नहीं पाया। अब सवाल यह है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके पहले यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो गवर्न कैसे कर रही थी, पहले हमें ये जानना पड़ेगा ना भाई। अगर हमें कहीं कोई चेंजेस करना है, मान लीजिए आपके पास कोई कमरा है और उसमें आपको चेंजेस करना है कि यहाँ मेरी स्टडी टेबल होगी, यहाँ मेरा बेड, ये बेड होगा, तो सबसे पहले आपको उस कमरे को देखना पड़ेगा कि पहले स्टडी टेबल कहाँ रखी है, पहले मेरा बेड कहाँ रखा है, पहले मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है, फिर आप चेंजेस करेंगे कि हाँ यहाँ रखूंगा तो लाइट आएगी, यहाँ रखूंगा तो हवा आएगी। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में काम कर रही थी वो काम कैसे कर रही थी। तो छोटी सी ब्रीफिंग है, 2-5 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगी। पहले हम देख लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, मतलब जो चला आ रहा ढांचा था वो क्या था, किसका ढांचा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था कि भैया ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन वाली है थी, तो ये प्राइवेट कंपनी थी, ये प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी मतलब कई सारे लोगों को पैसा लगा था इसमें। तो इस ढांचे में होते थे कौन, 24 लोग हुआ करते थे, इस ढांचे में 24 लोग हुआ करते थे जिन्हें हम कह रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये शब्द ध्यान रखना है आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इसका इसके इसको चला रहे थे जो लोग, उन वो 24 लोग थे जिनको कहा जा रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या हिंदी में कह रहे थे निदेशक मंडल। निदेशक मतलब जो निर्देश दे रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा हो कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कितने लोग थे? 24 लोग। और ये जो 24 लोग थे,
ये कहाँ बैठते थे? लंदन में। और ये तय करते थे काम कैसे होना है, मतलब एक तरह से ये मालिक लोग थे, 24 लोग थे ये मालिक लोग थे, ये ऐसा ढांचा था इनका। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, भारत में क्या था, भारत में प्रेसिडेंसी बनी हुई थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ये भारत का ढांचा था। और यहाँ पे कौन था, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल, ये प्रेसिडेंसियां थी। तो जब मैंने बोला कि वॉरेन हेस्टिंग 1772 में एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल बन के आया, तो वो कहाँ पे आया वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे आया, ठीक है। और ये जो भी गवर्नर हैं, इन सबको डायरेक्शन कहाँ से मिल रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, लंदन वाले इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपको काम कैसे करना है, इनके पास बहुत सारे राइट्स भी हैं। और ये जो गवर्नर है, इनके अंडर में इनकी एक काउंसिल भी है, सब हर गवर्नर के पास इनकी एक काउंसिल भी है। आदित्य जोशी कुछ पूछना है आपको? यस सर, सर मैं पूछ रहा था कि सर गवर्नर जनरल की पोस्ट सबसे पहले असाइन बंगाल में ही हुई थी क्या, मतलब वहीं से स्टार्ट हुई क्या गवर्नर हाँ जनरल मैं की बताता पोस्ट? हूँ क्या हुआ था, ठीक है, दो दो मिनट रुको, अभी क्लियर हो जाएगी बात। तो जो ये तीनों प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पे होता था गवर्नर, और गवर्नर अकेले तो सब कुछ काम कर नहीं सकता, तो उसके अंडर में काउंसिल होती थी। काउंसिल मतलब ये 2 4 5 8 लोग रहते हैं, और ये लोग गवर्नर को सलाह दिया करते थे, भाई कुछ अपन ये काम करें ये काम नहीं करें, एक तरह से जैसे नरेंद्र मोदी और उसकी कैबिनेट, शिवराज और उसकी कैबिनेट, वैसे ये काउंसिल थी। तो यहाँ भी काउंसिल, यहाँ भी काउंसिल, यहाँ भी काउंसिल, ठीक है। तो गवर्नर थे और सबका एरिया अलग था, जैसे हम बॉम्बे वाले की बात करें तो ये पूरा लाहौर से लेकर इतना बड़ा एरिया खींचा हुआ था, मद्रास की बात करें तो ये यहाँ से इतना बड़ा एरिया खींचा, तो बंगाल तो पूरा ये पूरा बांग्लादेश वाला भी एरिया खींचा हुआ था, तो सबका एरिया बटा हुआ था, अपने अपने एरिया में काम करो, सबके अलग अलग गवर्नर हैं। लेकिन हाँ, इन तीनों गवर्नर में भी सबसे ज्यादा किसको सम्मान, किसको इज्जत मिलती थी, बंगाल वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे था, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड यहाँ पे था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे होता था, और सबसे बड़ी बात यहाँ ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, यहाँ पे दीवानी राइट्स इनके पास थे। तो ना चाहते हुए भी बंगाल का गवर्नर इन दोनों से सुपीरियर था। अब क्या हुआ, ये इस तरह का एक कॉन्सेप्ट था। तो हम देखे लंदन में कौन लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिन्हें कहा गया निदेशक मंडल, ये 24 की संख्या थी, जब से ये कंपनी बनी है 1600 से, तब से ये संख्या 24 ही थी, फिक्स थी, ये संख्या 24 फिक्स थी, ठीक है। और असल में ये लोग मालिक लोग हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, यानी मेन मालिक लोग, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ था इसमें, तो ये कुल 24 थे और ये बैठते थे लंदन में। और भारत में हम ये कौन देख रहे हैं कि जहाँ पे ढांचा था कि तीन प्रेसिडेंसी थी और तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, अलग अलग एरिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या चेंजेस हुए। देखो ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना अभी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये आपका पॉलिटी का भी टॉपिक है। जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आपको रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट आए हैं यहाँ, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक पढ़ना है। तो अभी हम हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते पॉलिटी भी पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब सर है हुआ ये इतिहास में चीज है, इसलिए हिस्ट्री में है, लेकिन एक्चुअल में है ये पॉलिटी का। ये जो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट है, ये आपको हिस्ट्री में भी क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी में भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मतलब एक ही क्लास सर में दो चीज हो जाएगा आपका। तो आप सर देखते हैं कि रेगुलेटिंग सर एक्ट में क्या क्या सर बदलाव हुए, ये सर आया एक्ट क्यों, ये क्लियर है सभी को? सर हाँ एक तो पहले वो कुछ बोल रहे हैं क्या सर हाँ पूछे। सर जो बंगाल का सर गवर्नर फर्स्ट आया था सर वॉरेन हेस्टिंग था सर, मद्रास और बम्बई में कौन था सर? नहीं जानना आप लोगों को, ठीक ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था है। सर, अपन जो कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं इनकी और बंगाल की बात कर रहे हैं, एक डाउट मेरे मन में हमेशा से ही रहा, क्योंकि मैं जब आंसर लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि रॉ मटेरियल्स ये लोग जो है भारत से ले रहे थे, और रॉ मटेरियल्स में बेसिकली मैं आंसर में लिखता हूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इंडिगो, कॉटन और भी बहुत सारे स्पाइसेस, पर मैं कभी भी अपने आंसर में मिनरल्स का जिक्र नहीं करता। और अगर अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा की भी बात कर रहे हैं, तो
तो मतलब मिनरल्स का एक्सकेवेशन करके भी तो ये लोग लेके जाते होंगे सर, कोल और आयरन कॉपर वगैरह ये सब भी तो लेके जा रहे होंगे, तो ये भी तो हम रॉ मटेरियल्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। कैसे सर? क्योंकि राजा लोग भी तो कर ही रहे होंगे इनका एक्सकेवेशन, तो ये लोगों ने टेक ओवर किया होगा? नहीं, देखो जब ये हम बात कर रहे हैं ना, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों आया था, इसका एक बेसिक सा जवाब ये है कि भैया भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। अब स्टीम इंजन में स्टीम यानी भाप कैसे बनी, तो कोयले को जलाया, उससे भाप बनी, और उस भाप से, उस स्टीम से हमने किसी भी मोटर को घुमा दिया, किसी भी डायनेमो को घुमा दिया, और वो हमारा काम हो गया। तो जब भाप का इंजन का आविष्कार हुआ, तो सवाल ये था कि फ्यूल कहाँ से पाएंगे, भाप कैसे बनाएंगे। उस समय ऐसा तो था नहीं कि पेट्रोल मिल गया था। पेट्रोल तो 1920 22 में मिला है, पेट्रोल डीजल है। और हम बात कर रहे हैं 1773 की, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से वो कॉटन ले जा रहे हैं, यहाँ से वो जूट ले जा रहे हैं, और वहां से शर्ट बना के ला रहे हैं। तो शर्ट हाथ से तो बना नहीं रहे, बना रहे फैक्ट्री में, और वो जो फैक्ट्री है वो चल रही है मशीने से, तो मशीन चल रही थी भाप के इंजन से। तो भाप बनाने के लिए उनको चाहिए था कोयला। और ये कहो इनकी किस्मत कि कहते हैं ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में क्यों शुरू हुआ, ब्रिटेन में और उसके आसपास के जो आइलैंड्स थे जो ब्रिटेन के अंडर में थे, वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी का कोयला मिल गया। खोज हुई और बहुत ज्यादा क्वांटिटी का कोयला मिला, वो भी अच्छी ग्रेड का, जो कि जिसमें जो वो होते हैं जैसे गैसियस फॉर्म है वो कम रहता है, जिसमें कार्बन कम रहता है। बहुत अच्छी ग्रेड का कोयला मिला ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में को क्या कोयला मिल ही गया था, भाप के इंजन का आविष्कार हो ही गया था, इन्होंने कोयला निकाला अपने देश से ही, वहीं लगाई फैक्ट्रियां। अब इनको चाहिए था सिर्फ कच्चा माल, रॉ मटेरियल, इनको सिर्फ चाहिए था कच्चा माल। इन्होंने जिनकी जहां जहां कॉलोनी थी ना, वहां से सिर्फ कच्चा माल उठाया, वहां से सिर्फ इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस उठाए, और उसको वो प्रोसेस्ड किया अपनी फैक्ट्रियों में, दुनिया भर में बेचा। ठीक है, तो आज सोने चांदी की आज डिमांड है, उस समय सोने चांदी की ऐसी डिमांड नहीं थी कि उससे आभूषण बन रहे थे, या चांदी का भी जैसे हम बात करें तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी का भी आविष्कार वैसा नहीं हुआ है कि भैया हमें कंडक्टर के रूप में चांदी ज्यादा चाहिए कि बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। या अगर हम बात करें तो तांबा की, तो मेटलर्जी का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, कि मेटलर्जी उतनी ज्यादा अच्छे से यूज नहीं की जा रही थी। तो इन लोगों ने मेनली रॉ मटेरियल्स निकाले यहाँ से, और फिनिश्ड गुड को बना बना के दुनिया भर में बेचा। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट? तो अब बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, रीजंस क्या थे, आपको क्लियर हो गया। अब आप अभी तक आपको ये भी क्लियर हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कैसे कर रही थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था, ये भी आपको क्लियर है। अब हम बात कर ये करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए, क्योंकि आया है कोई कानून, आया है कानून में कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों के हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने मैंने कहा कि भारत में थे गवर्नर, तीन गवर्नर थे, और ये इनकी प्रेसिडेंसी थी, और इनकी अलग अलग काउंसिल थी। जैसे मैंने बोला इंग्लैंड में थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और इनकी संख्या 24 थी, इनको निदेशक मंडल कह रहा हूँ। 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इसने सबसे पहले क्या बोला कि भैया आपके जो भी क्रियाकलाप है, जो भी अफेयर्स हैं आपके, उनको हम कंट्रोल भी करेंगे और रेगुलेट भी करेंगे। कंट्रोल मतलब हम तय करेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और हम रेगुलेट करेंगे कि आपको कोई काम करना है तो आपके पास उस काम को करने की कितनी पावर है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, और 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बेल आउट किया था। बेल आउट मतलब बर्बाद होती हुई कंपनी को इन्होंने बचाया था। और इसकी ब्रीफिंग मैंने कल कर भी दी थी कि बर्बाद ये क्यों हुई, क्योंकि इसके जो ऑफिसर्स हैं, इसके जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने खूब करप्शन किया, अपनी जेबें भरी, और इस कंपनी को ऐसा ही छोड़ दिया। तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द अर्लीस्ट बेल आउट है किसी एमएनसी का। एमएनसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कई देशों में काम कर रही थी, और इसको जब बेल आउट किया, बेल आउट करना मतलब बचाना, बेल आउट मतलब बचाना। ठीक है, तो इसको किसने बचाया था, ब्रिटेन ने बचाया था, ब्रिटेन के राज वो सरकार ने बचाया था। जब सरकार अगर पैसा आपको देगी तो आप पे शर्तें थोपेगी, और ये वही शर्तें थी। तो इन्होंने बोला भैया वहां पे अफेयर्स को रेगुलेट करेंगे। और क्या इन्होंने बोला, इन्होंने, अब आप मुझे बताओ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये भारत में क्या करने आई थी? ट्रेड
ट्रेड करने आई थी, वेरी गुड। ट्रेड को हम बोल सकते हैं, क्या करने आई थी, कमर्शियल एक्टिविटीज करने आई थी, सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज की परमिशन मिली थी इसको, भाई जाओ व्यापार करो। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, ये कमर्शियल के साथ साथ पॉलिटिकल यानी राजनीतिक काम भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रहा है। राजनीतिक मतलब ये यहाँ पे संधियां कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं भाई तुम पे पेंशन मिलेगी, ये तय कर रहे हैं कि तुम कहाँ बैठोगे, तुम दिल्ली से आके इलाहाबाद से कड़ा में बैठोगे, यानी राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ये है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे भैया, ये यहाँ पे टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये यहाँ पे तय कर रहा है किसको कितना टैक्स लगेगा दीवानी राइट्स के हिसाब से। आए थे सिर्फ ये व्यापार करने, कमर्शियल एक्टिविटी करने, और इनको परमिशन भी इसी चीज की मिली थी, ध्यान रखिएगा, इस कंपनी को परमिशन भी इसी चीज की मिली थी। लेकिन इसकी तो परमिशन इनको थी नहीं, और जब इसकी इनको परमिशन नहीं थी और ये यहाँ पे पॉलिटिकल भी काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, यहाँ पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, यहाँ पे एरिया कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे संधि कर रहे हैं, और बहुत बड़ा एरिया अपने एक्सपेंड कर लिए हैं, तो इस कंपनी ने, ये जो एक्ट है इसने क्या बोला कि आपने अभी तक जो भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए हैं, जो भी संधियां की हैं और जो भी आपने अपने नियम कायदे कानून बनाए हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, हम उसको मान्यता दे रहे हैं। मतलब नाउ यू आर ऑल्सो लाइबल फॉर योर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। मतलब आई थी सिर्फ व्यापार करने, लेकिन अब इसको दो नए काम और मिल गए कि आपके जो काम कर रहे हैं राजनीतिक और प्रशासनिक, इन कामों को भी हम मान्यता देते हैं, हम इसको वैधता देते हैं, हम इसको लेजिटिमेसी देते हैं। ठीक है, तो अगर कभी सवाल आए कि किस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स एस्टेब्लिश किए, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू किया, उसको ब्रिटेन की संसद ने मान्यता दी, तो आप इसमें टिक मारेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन भी देख रहा था भाई कि इन्होंने अगर कोई संधियां कही है तो संधियों में फायदा किसका अल्टीमेटली, हमारा ही। इन्होंने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं का कोई एरिया कब्जा करके रखे हैं, कहीं पर टैक्स ले रहे हैं, तो फायदा किसका, हमारा भाई। अगर हमारी प्राइवेट कंपनी को फायदा होगा तो वो हमको ज्यादा टैक्स देगी, अल्टीमेटली जेब तो हमारी भरेगी। भारतीय तो इनके सगे थे नहीं कि भाई किसी संधि को कैंसिल करवा दे, कि इलाहाबाद की संधि कैंसिल करो, ये अब अवध में हमारी कोई सेना नहीं रहेगी, या जो मुगल बादशाह के साथ आपने संधि की है उसको कैंसिल करो, मुगल बादशाह को ससम्मान दिल्ली भेजो, ऐसा भी नहीं। तो इन्होंने बोला जो आपने किया बढ़िया किया, और हम उसको क्या दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं। अगली बात क्या की इन्होंने, देखो ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन, देखो, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इसका क्या मतलब है केंद्रीय प्रशासन, अभी तक तो हम देख रहे थे कि एक प्रशासन बॉम्बे से चल रहा था, एक प्रशासन चल रहा था कहां से, मद्रास से, और एक प्रशासन चल रहा था बंगाल से। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किसी एक को सेंट्रल पावर दी गई होगी, किसी एक को बड़ा बनाया गया होगा, तो जो बंगाल है उसके अंडर में आ गए बॉम्बे, उसके अंडर में आ गया मद्रास, और जब अंडर में आ गया तो भैया बॉम्बे का भी गवर्नर, मद्रास का भी गवर्नर और बंगाल का भी गवर्नर, तो ये तो बोलने में अच्छा ही लगता भैया, अगर ये हमारा ऑफिसर है तो ये इसका नाम क्या कर दें, अब गवर्नर तो था ही, अब लगा देते हैं गवर्नर जनरल, गवर्नर तो पहले से थे ये, अब नाम क्या आगे और क्या लग गया, जनरल, इसलिए जनरल लगा कि नाउ बॉम्बे एंड मद्रास आर द सबॉर्डिनेट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बॉम्बे और इस मद्रास इसके अंडर में आ गए, तो ऐसा नहीं कि हर काम में अंडर में आ गए, ध्यान रखिएगा हर काम में अंडर में नहीं आए। इसने बोला, इस एक्ट ने क्या बोला, बॉम्बे जो अपना काम करता आ रहा था नॉर्मल काम वो करता रहेगा, इसके गवर्नर के पास पूरी पावर है, मद्रास भी अपने नॉर्मल काम करता रहेगा, पूरी पावर है, लेकिन अगर कहीं युद्ध करना है और अगर कहीं संधि करना है यानी ट्रीटी करना है, अगर कहीं युद्ध और संधि करना है तो आपको हमसे पूछना पड़ेगा,
हमारे बिना पूछे आप किसी से युद्ध शुरू नहीं कर सकते, हमारे बिना पूछे आप कहीं युद्ध खत्म भी नहीं कर सकते, और हमारे बिना पूछे आप किसी से संधि नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में कुछ बात आई होगी, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था और सूरत की संधि हुई थी और सूरत वालों ने राघो बा का सपोर्ट करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी मराठाओं से, तो यही वॉरेन हेस्टिंग ने सूरत वालों को डांटा था, बॉम्बे वालों को डांटा था कि तुम मुझसे बिना पूछे युद्ध क्यों शुरू कर सकते हो। तो अब क्लियर हुई आपको बात, क्योंकि इसके पास राइट था, इससे बिना पूछे आप युद्ध शुरू नहीं कर सकते। याद है कहानी पुरानी? यस सर। और फिर उसके बाद एक पुरंदर की संधि हुई थी, और पुरंदर की संधि में जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने नाना फडणवीस को भी बोला था कि भाई आप भी युद्ध बंद करिए, और अपनी सूरत और बॉम्बे वाली पार्टी को भी बोला था आप भी युद्ध बंद करिए, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि युद्ध शुरू करने में कोई बुरी बात थी, लेकिन कहने को ये कौन है, ये हेड है, अभी ये कौन है, ये हेड है, और अगर इस युद्ध में थोड़ा उटपटांग हो जाता और बॉम्बे अगर कब्जा कर लेते मराठा, तो ये किसको जवाब, ये किसको मुंह दिखा पाता है? इससे तो पूछते ना वो 24 लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कि तुम क्या कर रहे थे बंगाल में बैठे, तुम्हें हमने गवर्नर जनरल बनाया है, और तुम्हारे होते हुए मान लो मराठा जीत जाते और बॉम्बे ही खड़प लेते पूरा, तो थूथू तो इनकी हो जाती ना। इसलिए कहीं भी युद्ध करना है, कोई भी ट्रीटी करना है, मुझसे पहले पूछो। और बाद में आपने देखा होगा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में भी जब युद्ध रोकने की बात आ रही थी, क्योंकि जब मराठा इनको इनकी पिटाई ज्यादा कर रहे थे बॉम्बे और सूरत वाली पार्टी की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बोला नहीं युद्ध नहीं रुकेगा, मैं अपनी पार्टी भेजता, तो उसने बंगाल से लोगों को भेज दिया था, एल्फिंस्टन नाम का व्यक्ति आके फिर यहाँ धूमधाम मचाया था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या बोला कि जो इसके अंडर के गवर्नर है बॉम्बे और मद्रास वाले, वो हर तरह के काम के लिए फ्री हैं, जो वो काम करते आ रहे थे वो करे, वो अपने लेवल में कोई कानून बनाना है बना ले, वो अपने लेवल में किसको नौकरी में रखना रख ले, अपने लेवल में तय कर ले कि भाई कहाँ कितना पानी जाएगा, कहाँ कितनी रोड बनेगी, कहाँ पार्क बनेगा, जो करना है वो करे। ध्यान बस दो बातें कि कहीं किसी से वॉर करना, किसी संधि करनी है, तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले से हमसे पूछना पड़ेगा, ठीक है? और अगर पूछे कि ऐसा क्या कोई विरोधाभास हुआ था, तो आप वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाली कहानी कोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कभी किसी ने आपसे पूछ लिया था। तो इसने शुरुआत की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चल रहा है, बंगाल से, बंगाल से भी कहां से चल रहा है, फोर्ट विलियम से। और ये जो कब की कहानी है, 1773 से लेकर 1911 तक, 1773 से 1911 तक हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑन कोलकाता, कलकत्ता से ही सारा काम हो रहा था फोर्ट विलियम से। 1911 से इन्होंने जब राजधानी का स्थानांतरण हुआ, जिसे कहते हैं कैपिटल का ट्रांसफर हुआ, तो फिर 1911 से कहां पे कैपिटल ट्रांसफर हुई, दिल्ली में। क्लियर है? तो कभी कोई सवाल आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत किस एक्ट ने की, तो भी आप एक मारेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कभी मेंस में आ जाए किस तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत थी, दो पॉइंट्स बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ सुपीरियर, या उनका जो मालिक है या उनका ऑफिसर रहेगा बॉम्बे और मद्रास का, और वॉर और ट्रीटी के उपलक्ष्य में प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? और इसका एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप पुरंदर की संधि। यहाँ तक की कहानी क्लियर सभी को? यस सर। यार जूम क्या कर रहा है, बार बार मेरी शेयर स्क्रीन को हटा दे रहा। सर मतलब मद्रास और बॉम्बे में सिर्फ गवर्नर होंगे? हाँ बिल्कुल, मद्रास और बॉम्बे में सिर्फ गवर्नर रहेंगे। इसके बाद गवर्नरशिप तो बहुत जगह बनती है, वहां भी गवर्नर रहेंगे। और ध्यान रखो, मैंने बंगाल में उस समय का जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, उसको ही मैंने बना दिया गवर्नर जनरल। लेकिन कुछ समय बाद जब बंगाल का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम धाम देश में बहुत बढ़ जाएगा, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहेगा, उसकी सहायता के लिए एक नई पोस्ट बनाई जाएगी, गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी बंगाल में आपको दो पोस्टें मिलेंगी, एक पोस्ट मिलेगी जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये तो पूरे देश के लिए हो गया भाई, पूरे देश मतलब जहां जहां अंग्रेज का पूरा काम काम है। और इसके अंडर में एक और रहेगा, इसका नाम रहेगा गवर्नर ऑफ बंगाल। अब वॉरेन हेस्टिंग के समय तो यही गवर्नर ऑफ बंगाल है, यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है,
मतलब ये बंगाल का भी सारा काम देख रहा है, तब इतना बड़ा एरिया एक्सपैंड नहीं हुआ है, अभी सब्सिडरी लाइन्स नहीं शुरू हुई है कि बहुत बड़ा एरिया इनके पास आ गया, अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप शुरू नहीं हुई है। लेकिन कुछ समय बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में एक और पोस्ट बनाई जाएगी, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि सिर्फ बंगाल के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, जिस तरह मद्रास वाला मद्रास के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिस तरह बॉम्बे वाला बॉम्बे के रेस्पॉन्सिबल है, उस तरह बंगाल वाला सिर्फ बंगाल के रेस्पॉन्सिबल रहेगा। और ये जी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी ये कुछ समय बाद इसका नाम बदला जाएगा और इसको कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर कुछ समय बाद इसका नाम बदला जाएगा और इसको कहा जाएगा वॉइसराय। लेकिन ये सब कहाँ बैठ रहे होंगे, सब बैठ रहे हैं फोर्ट विलियम में, 1911 तक सब फोर्ट विलियम में ही मिलेंगे, उसके बाद ये लोग आएंगे दिल्ली। रवि पवार कह रहे हैं मद्रास एंड बॉम्बे बिकम द सबॉर्डिनेट्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कुछ वो उनसे पूछ के करेंगे, हर कुछ वो उनसे पूछ के नहीं करेंगे, बस उनको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं युद्ध करना है और कहीं अगर ट्रीटी करनी है तो इनसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ अगर आपने कोई बेकार कानून बना दिया, जिस तरह मान लो आज अगर मध्य प्रदेश सरकार है वो कुछ उटपटांग कानून बना दे या कुछ ऐसा कानून बना दे जिसकी वजह से जुडिशरी को लगता है या संसद को लगता है कि ये काम थोड़ा गलत है, तो वो इसको सुमोटो तौर पर देख सकते हैं। और जुडिशरी भी तो आज ऐसे ही है ना, जुडिशरी अगर कोई ऐसा कानून बन जाए जिससे लग रहा है कि देश में दिक्कत हो रही है, जुडिशरी उस कानून को देख सकती है, सुन सकती है और उसको स्क्रैप भी कर सकती है। तो आप जो करना है वो करते रहिए, बस अगर किसी विषय पे हमने कानून बना दिया, मान लो बंगाल ने कानून बना दिया, तो फिर बाय डिफॉल्ट वो मद्रास और बॉम्बे वाला कानून रद्द हो जाएगा। जिस तरह आज भी होता है केंद्र सरकार किसी चीज पर कानून बना दे तो राज्य का कानून खत्म हो जाता है, तो वो चीज समय के साथ हम देखते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं, ये वही कहानी है, लोन मांगने चले गए थे, एक किताब है विलियम डैरन मैपल की द एनार्की, और इसमें यही सब बातें हैं कि ये कभी 4 लाख पाउंड का लोन मांग रहे हैं, फिर 3 लाख का मांग रहे हैं, 15 दिन बाद फिर 2 लाख का मांग रहे हैं, फिर धीमे से बोलते सर 10 लाख का लोन दे दो, 10 लाख पाउंड का, और यही सब देखते हुए इनका दिमाग खराब हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। और सर ये भुखमरी और ये सब तो जब अंग्रेजों ने देखा, वहां की सरकार ने देखा कि यार इतना जो गोरख धंधा मचा हुआ है इस कंपनी में, इसमें बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का है, इन 24 लोगों का है, इन लोगों ने करप्शन खूब फैला के रखा है और ये लोग जमे हुए अपनी कुर्सी में बहुत सालों से। तो उन्होंने बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इनका पहले तो इन्होंने टेन्योर फिक्स किया, ये सब कौन कर रहा है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट कर रही। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आ गया तो जीवन भर बैठा रहेगा, भले वो उस कंपनी का मालिक हो, उस कंपनी में उसका पैसा लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो 24 लोग हैं, इस एक्ट में क्या बोला गया कि आपका कार्यकाल 4 साल का रहेगा, दूसरा एक बार आपका कार्यकाल खत्म होगा तो दोबारा आप चुने नहीं जाएंगे, री इलेक्शन नहीं होगा, और तीसरी बात ये कही कि हर एक चौथाई डायरेक्टर हर साल क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। मतलब इससे क्या हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कई सालों से बैठे हुए थे उनको हटाया गया, उनमें भी लगाम लगाई गई और बोला गया कि आप एक बार आप का चुनाव हो गया तो आप दोबारा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। दूसरा इस एक्ट ने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी बही खाते हैं, जो भी पेपर्स हैं, जो भी कागज हैं, हर तरह से, चाहे वो उनकी मिलिट्री अफेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे उनके रेवेन्यू से रिलेटेड हो, सब हमको चाहिए। हमको चाहिए मतलब ब्रिटेन की संसद को चाहिए, और ब्रिटेन की संसद में संसद का जो वित्त मंत्री होता है, ब्रिटेन में आज जो वित्त मंत्री होता है उसको वहां फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कहते, उसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, उसे कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर। और हमारे देश की एक कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस, आप लोग जानते हैं इन्फोसिस के बारे में? यस सर। इन्फोसिस किसकी है पता है आपको? यस सर, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति के दामाद है, उनका नाम है ऋषि सुनक, ये नारायण मूर्ति के दामाद हैं और ये एट प्रेजेंट ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। ठीक है,
यानी ब्रिटेन के चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं ये ऋषि सुनक। तो इन्होंने बोला, इस एक्ट में ये बोला गया कि भैया आपके जितने भी कागज हैं, आप बोल रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, आप बर्बाद हो रहे हैं, हमें आपके सारे कागज चाहिए, हमें सारे आपके कैश बुक चाहिए, सारे आपके बही खाते चाहिए, सारे आपके अकाउंट चाहिए, सब सीज करो। और ये सारे अकाउंट किसको दिखाओ? वित्त मंत्री को दिखाओ। वित्त मंत्री चेक करेगा कि तुम्हारा मजाक क्या चल रहा है, तुम लोग इतने पैसे कमा रहे हो, बोल रहे बर्बाद हो गए। ये भी कहा गया, यानी एक तरह से ऑडिट, जैसे कहते हैं ऑडिट सिस्टम शुरू हुआ हिंदी में। ऑडिट को क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं, लेखा परीक्षक। ठीक है, और इसमें बोला गया कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं वो कलकत्ता के अधीन हो जाएंगे, ये बात कही गई इसमें। और क्या कहा गया इसमें? ये चल रहा रेगुलेटिंग एक्ट ही। और ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसका भी टेन्योर फिक्स किया गया, और वो 5 साल के लिए अपने पद में रहेगा, लेकिन ये व्यक्ति तो रहा है 82 तक, मतलब 5 साल के रहेगा, उसके बाद फिर से तय करेंगे ये व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कि नहीं, अगर ये अच्छा है तो उसको फिर से बना देते हैं। और क्या बोला गया? ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम, इसकी सहायता के लिए 4 मेंबर की काउंसिल बनाई जाएगी, इसकी सहायता के लिए 4 मेंबर की काउंसिल बनाया जाएगा, जिसको कहा जाएगा कार्यकारी परिषद। उसे कहा गया कार्यकारी परिषद, या कहीं कहीं आपको आए नाम की गवर्नर जनरल की काउंसिल, तब भी आप यही समझिए 4 लोगों को मेंबर बनाया गया। और ये 4 लोगों पर चुनाव कौन करेगा? ब्रिटेन की संसद चुनाव करके यहां भेजेगी। ठीक है, और ये कोई मुझसे कह रहा है कि भाई ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया? भाई है तो कंपनी के मालिक ही ना, ये कंपनी सरकारी तो है नहीं कि सरकार उनको हटा देगी। भाई रिलायंस कंपनी में अगर करप्शन है, रिलायंस कंपनी में कोई दिक्कत है, तो ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी को भगा देगी। हाँ, ये बोले कि मुकेश अंबानी एक बार बन जाओ, अगली बार मत बनना, टेन्योर बढ़ा दिया कि 4 साल रहो, क्योंकि देखो उनको हम री इलेक्शन का ऑप्शन खत्म कर दे रहे हैं, एक बार बनेगा तो अगली बार नहीं बन पाएगा, तो इसलिए उसका टेन्योर 4 साल का दे दिया कि भी 4 साल काम कर लो, उसके बाद मत बनना। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को काम करने के लिए परिषद बनाई गई, उस परिषद के मेंबर 4 फिक्स किए गए, और ये मेंबर का जो चुनाव है, यानी इनका जो रिक्रूटमेंट है वो ब्रिटेन से हो रहा है। मतलब आप देखो, ये है एक प्राइवेट कंपनी, गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम एक प्राइवेट आदमी है, लेकिन ये जिनकी सलाह पे काम करेगा, यानी या जिनके साथ ही मिलकर कोई काम करेगा, वो लोग को चुन के भेज रही है वहां की सरकार। मतलब ये 4, ये और गवर्नर जनरल हो गया 5, ये 5 लोग मिलकर तय करेंगे कोई काम, कौन किसी काम को करने के लिए 5 लोग मिलकर तय करेंगे। अब 5 की मेजोरिटी कितनी होती है? 3। तो कोई भी डिसीजन अगर लेंगे तो मेजोरिटी से लेंगे, मतलब 3 लोग जो जिस बात को कहेंगे उसी बात को माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या था? जो गवर्नर था वो मालिक था, भाई उसकी काउंसिल जो भी रहती थी, जैसे मैंने बोला बॉम्बे में एक काउंसिल है इनके पास, या मद्रास में एक काउंसिल, तो ऐसा नहीं कि काउंसिल गवर्नर से ऊपर हो गई, नहीं, काउंसिल सलाह दे रही है, लेकिन यहाँ पे काउंसिल कैसी हो गई? यहाँ पे काउंसिल जो भी डिसीजन लेगी वो मेजोरिटी से होगा, और मेजोरिटी 3 की होगी। मतलब अगर ये 4 में से 3 लोग एक साइड में बैठ गए ना, तो गवर्नर की चलेगी नहीं, क्योंकि 4 तो यही है, ये 4 किसने रिक्रूट किया? संसद ने रिक्रूट किया। तो कहने को यहाँ पे असिस्ट लिखा है, लेकिन थे ये सब मालिक के थे। तो ये सर, ये 4 मेंबर ब्रिटेन पार्लियामेंट असाइन करेगी, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये 4 लोगों को असाइन करके भेज रही है यहाँ पे। इसी में तो बवाल होगा भी, आप देखना, इन्हीं के चक्कर पे ये वॉरेन हेस्टिंग नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, बताऊंगा आगे। और यहाँ पे यही लिखा है कि जो भी डिसीजन होंगे ना, वो काउंसिल में मेजोरिटी से होंगे, और मेजोरिटी कितनी है? 3 लोगों की मेजोरिटी कहलाएगी, एक गवर्नर जनरल और 4, ये कुल मिला के 5, और 5 का मेजोरिटी कितना होता है? बहुमत 3 होता है। ठीक है, अगर कभी टाई हो गया तो गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट डालेगा। मतलब मान लो 4 में से 2 लोग कह रहे हैं ये काम करना है, 2 लोग कह रहे हैं ये काम कर रहा है, अगर कभी टाई होगा तो फिर गवर्नर जनरल वोट डालेगा, और जो वोट जिसकी तरफ डालेगा वो काम हो जाएगा। तो ये सब सारी शर्तें हैं, 1773 की शर्तें हैं। ये कंपनी डूब रही थी, इस कंपनी को बचाया है ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, तो वो अपने आदमी को बैठाएगी ना कि
कि अगली बार ऐसे ना हो जाए कि 10 साल बाद फिर ये कंपनी खड़ी हो जाए मेरे सामने कि साहब बचा लो पैसा नहीं है. यही बात यहां मैंने लिखी है कि जो गवर्नर जनरल है वो पीस और वॉर के समय, पीस मतलब जब आप कोई संधि कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, युद्ध खत्म होने के बाद जब संधि होती है शांति के लिए, उसमें आपको इनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे, बाकी अपना अपने स्तर पे आप काम कर लीजिए. इस रेगुलेटिंग एक्ट से एक कोर्ट बनाया गया जिसे कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट. इसकी कहानी अपन कल देखेंगे, ऐसा क्या हुआ था, ये कोर्ट क्या थी और इस कोर्ट में क्या क्या इनके पास पावर थी. आज की हम लोगों ने जो ब्रीफ, अभी देखो रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा. आज की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें किसी कोई डाउट? अप्लाई कर दो. नो सर. तो आज की क्लास आपकी हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी की भी थी. आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारत का संवैधानिक इतिहास भी पढ़ रहे हैं. संवैधानिक इतिहास का पहला टॉपिक यही है. जब आप संवैधानिक इतिहास लेंगे सबसे पहले आप बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, फिर आप बताएंगे फिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या था, फिर आप जो और इंडिया काउंसिल एक्ट आए वो बताएंगे. ठीक है सर. 1760 1771 का क्या कॉन्सेप्ट है? इस समय अकाल पड़ा था, पानी नहीं गिरा था बंगाल में, तो फसल नहीं हुई थी. अंग्रेजों के पास दीवानी राइट्स थे, उन्होंने मनचाहा टैक्स मांगा. उस टैक्स के चक्कर में लोगों ने टैक्स चुकाने के चक्कर में लोगों ने बहुत सारा उधार ले लिया सेठ साहूकार से. उस चक्कर में इनकी जमीन सेठ साहूकार ले गया, इनके पास खाने को दाना नहीं था, भूख से मर गए. और बंगाल की एक तिहाई आबादी जो है वो साफ हो गई. फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक काला चेहरा है. और इसीलिए तो वॉरेन हेस्टिंग जब आया तो 1772 में उसने सबसे पहले क्या बंद किया, डॉल एडमिनिस्ट्रेशन ही बंद करो, ये मजाक नहीं चलेगा. और नवाब का पोस्ट भी खत्म कर दिया कि भैया अब ना नवाब रहेगा ना डॉल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हम पैसा ले रहे हैं ना, हम ही काम करेंगे लोगों की भलाई का. यानी अंग्रेजी दीवानी, अंग्रेज के पास दीवानी राइट्स भी आ गए, अंग्रेज के पास निजामत राइट्स भी आ गए. और मुबारक दौला लास्ट नवाब ऑफ बंगाल रहता है 1772 में, उसको बोलते भागो बेटा जाओ यहाँ से, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी हमने नवाबी छीन ली. आंसर लिखते वक्त मेंस में मैन मेड फेमाइन वर्ड यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते, यही तो कीवर्ड्स हैं. मैन मेड लिखिए आप, अंग्रेजों ने इसको बनाया है, नहीं तो हमारे देश में बंगाल में अकाल पड़ा था ना, बाकी देश से खाना ले आते अंग्रेज, देश में और जगह तो खाना था, लाते सबको खिलाते, लेकिन इन्होंने तो मारा है जानबूझ के. ऐसे एक और अकाल आया बंगाल फेमाइन 1943 में, वो भी मैन मेड था. उस समय चर्चिल था, चर्चिल ने बंगाल में लगभग 15% लोगों को मार दिया था भूख से, 1943 का काल जो है. चलो मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू एवरीवन.